तो आज हम यहाँ पर इस ऑयल कंटेनर का रीयूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे जैसो लिया है, इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लू, चॉक पाउडर एंड एक्रेलिक कलर। आप चॉक पाउडर की जगह पर POP या फिर बेबी पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। आपको जैसो को अच्छी तरीके से कंटेनर पर अप्लाई करना है। देखिए मेरा यहाँ जैसो सूख गया है। इसके बाद मैं यहाँ पर बेस पेंट के लिए ऑयल पेंट का यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पर एक्रेलिक पेंट का यूज़ भी कर सकते हैं। मेरे पास ऑयल पेंट बचा हुआ था, इसीलिए मैंने यहाँ ऑयल पेंट का यूज़ किया है। आप यहाँ पर चॉक पेंट का यूज़ भी कर सकते हैं। मेरा यहाँ फर्स्ट कोट अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है, तो मैं अब यहाँ पर सेकंड कोट अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने यहाँ सेकंड कोट अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है। अब मैं डिज़ाइन बनाने के लिए रफ मार्किंग कर रहा हूँ। आप भी डिज़ाइन के लिए रफ मार्किंग कर सकते हैं। आप जो डिज़ाइन बनाना चाहे उस हिसाब से कीजिए। और अगर आप मेरे जैसा ही सेम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो दिखाया गया प्रोसीजर फॉलो कीजिए। मैं यहाँ डिज़ाइन को अच्छी तरीके से वीडियो में दिखाने के लिए मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूँ, जिससे कि डिज़ाइन अच्छी तरीके से दिख सके। मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया है जिस पर डिज़ाइन बना हुआ है एंड कार्बन पेपर लिया है जिससे मैं डिज़ाइन को ट्रेस करूँगा। मास्किंग टेप की मदद से हम डिज़ाइन वाले पेपर और कार्बन पेपर को आपस में चिपका लेंगे एंड अब हम इसे कंटेनर के ऊपर चिपका देंगे, जिससे कि हमारा डिज़ाइन हिले ना और वह अच्छी तरीके से ट्रेस हो सके। मैं यहाँ पेंसिल की मदद से डिज़ाइन कॉपी कर रहा हूँ। देखिए डिज़ाइन कितनी अच्छी तरीके से कंटेनर पे बन गया है। मैंने इसी तरीके से और बना लिया है एंड अब मैं यहाँ इरेजर की हेल्प से पेंसिल की रफ मार्किंग को इरेज कर दूँगा। मैंने यहाँ पर रेड एक्रेलिक पेंट का यूज़ किया है, जिससे मैं अपने डिज़ाइन को फिल कर रहा हूँ। आप अपने मनपसंद कलर की मदद से अपने डिज़ाइन को फिल कीजिए, अपने क्रिएटिविटी दिखाइए एंड अपना मनपसंद होम डेकोर आसानी से घर में तैयार कीजिए। मैं यहाँ पर ग्रीन कलर की हेल्प से बचा हुआ डिज़ाइन भी फिल कर रहा हूँ। आप अपने मनपसंद कलर की हेल्प से डिज़ाइन को फिल कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर्ल मेटेलिक कलर की हेल्प से बचे हुए डिज़ाइन को भी फिल कर लूँगा। एंड अब मैं यहाँ पर ब्लैक कलर की हेल्प से बॉर्डर क्रिएट कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप कई बॉर्डर्स एंड पैटर्न्स बनाकर अपने पॉट को या होम डेकोर को डेकोरेट कर सकते हैं। मार्कर की हेल्प से
सभी डिज़ाइन की अच्छी तरीके से आउटलाइन कर लीजिए, जिससे डिज़ाइन बहुत ही सुंदर तरीके से निखर के आएगा। थोड़ी बहुत और डिटेलिंग करने के बाद यह पॉट पूरी तरीके से बनके कंप्लीट हो जाएगा, लाइक दिस। इसी तरीके से आप भी अपने घर पे बड़ी ही आसानी से होम डेकोर्स एंड पॉट्स बना सकते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा यह पॉट कैसा लगा। और इसी तरीके की और वीडियोस को आगे देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिखाए जा रहे पॉट्स के वीडियोस भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।